उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में जहां 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी बहन की रक्षा किए जाने की कसम खाई। इसी क्रम में मुरादाबाद के जिला कारागार में बड़ी तादाद में बहनें पहुंची और भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। जहां हिंदू बहनें जिला कारागार पहुंची, तो वहीं मुस्लिम बहनों ने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए घंटों लंबी लाइनों में इंतजार किया। भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली रेनू को काफी मशक्कत उस वक्त करनी पड़ी जब खिड़की पर मिलने के लिए पर्ची लेनी पड़ रही थी। काफी धक्का मुक्की और घंटों तक चलती रही, लेकिन बहनों ने हार नहीं मानी और अपने भाई से मिलने और राखी बांधने के लिए पूरी जुस्तजू की। इसी क्रम में मुरादाबाद के रोडवेज स्टेशन पर भी यही नजारा देखने को मिला। बहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बसों का काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब भी कोई एक बस आती तो बहनें उस तरफ दौड़ पड़ती। बामुश्किल तमाम बसों में बैठने का बहनों को मौका मिला और अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंची। इस मौके पर जिला कारागार में मौजूद बहनों से जब बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा, आप बोलो, ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीप्ति है। दीप्ति जी, आपके कौन है यहाँ पर? मेरे भाई हैं। क्या हुआ था, कब से हैं वो? उनको 4 महीने। अच्छा, क्या किस लिए आई हो जेल पे आप? राखी बांधने। तो क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? बहुत भीड़ हो रही है। बहुत भीड़ हो रही है, ना वो लग रहा है पर्ची का। अच्छा, भाई जेल में कब से है, क्या हुआ था? अच्छा, ये राखी बांधने आई है भाई के? अपने कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? कहाँ के? यहाँ क्या समस्या आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? जी हाँ, हमने सोचा हम भी देख आते हैं और अपने भाई के हम भी बन लेंगे। अच्छा, आपके बनाए हुए भाई हैं? जी। अच्छा, वो वक्तन आज के काम में आते रहते हैं, जिसे कुछ समस्या आती है आपके पास आते हैं? बातचीत होती रहती है। दूसरी तरफ मुरादाबाद के रोडवेज बस अड्डे पर जब भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही बहनों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की गई तो उन्होंने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया। तो कब से नहीं मिल रही बस आपको? कितनी देर हो गई खड़े हुए आप? क्या नाम आपका? राखी बांधने जा रहे हैं? बांध दिए। राखी कहाँ पर बांधने जा रहे हैं अपने भाई के आप? कब से बैठे हैं यहाँ पर? कब से बैठे हैं आप? हम यहाँ कब से? आधे घंटे से। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? बनारस। सवारी नहीं मिल रही? सवारी नहीं मिल रही आपको यहाँ से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? तो राखी बांधनी है आपकी पत्नी को जाकर के वहाँ? कहाँ से आए आप लोग? क्या कहना चाहेंगे कि जल्दी जल्दी बस मिले, अपील क्या करेंगे आप? जल्दी से जल्दी बस मिल जाए, काफ़ी लेट हो जाएगी। बस रुकने पर यात्री को बैठे, ऐसा ना हो चलती गाड़ी में ना चले जिससे आपको कोई चोट लगे। और सभी ध्यान रखें, जेब कतरों से सावधान रहें, यात्री ध्यान दें। बस बांधने के अंदर क्या कहना चाहेंगे, किस नाम से दुकान है आपकी, आपका नाम? मेरी दुकान जैन मिष्ठान भंडार कटरा नाज मुरादाबाद पे है। आज 15 अगस्त और रक्षाबंधन एक साथ है, क्या कहना चाहेंगे बहनों से और देशवासियों से? हार्दिक शुभकामनाएं हैं देशवासियों को, काफ़ी अच्छी हार्दिक शुभकामनाएं हैं रक्षाबंधन। इसी क्रम में मुरादाबाद में जहां बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो वहीं भाइयों ने भी जमकर पतंगबाजी की। आसमान पतंगों से छाया रहा। दूसरी ओर मिठाइयों की दुकानें पूरी तरह सजी धजी नजर आईं। लोग मिठाई खरीदते हुए दिखाई दिए। मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित दीपक अग्रवाल और उनके साथियों ने जमकर पतंगबाजी की। इस मौके पर दीपक अग्रवाल ने कहा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का पर्व एक साथ है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का 73वां साल है और ये 73वां साल इतने हर्ष से मनाया जा रहा है कि हम भारतीयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हमारे अमित शाह जी ने इमरान की तो सुत्तर से ही काट दी पतंग, और
आज इस खुशी में रक्षाबंधन है, कल त्यौहार भी है और हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। और रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को रक्षा का वचन देता है और बहन उसकी उम्र की दीर्घायु की कामना करती है कि मेरा भाई लंबी उम्र। और ये बड़े हर्ष का सब्जेक्ट है कि आज जिस माहौल में हो रहा है हमारा संपूर्ण भारत बिल्कुल अखंड हो गया और सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को मैं 15 अगस्त की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि हम लोग आपस में किसी भेदभाव में ना पड़े, सिर्फ देश के लिए करें जो करना है। मैं सभी को आज रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूँ, अपने सभी देशवासियों को और अपने महानगर वासियों को और सभी वीर जवानों को इस पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने इस महापर्व पे, जो कि आज रक्षाबंधन के साथ साथ हमारा एक राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त भी है, इसके उपलक्ष्य में हमने सभी भाइयों को राखी बांधी, तिरंगे की राखी बांधी और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लिया। और इसी संकल्प के साथ मैं सभी देशवासियों से चाहती हूँ कि वो भी आज एक संकल्प लें, क्योंकि आज दो त्योहारों का एक संगम है, एक रक्षा का और एक हमारी स्वतंत्रता का। अच्छा, क्या पतंगबाजी भी किया आपने? हाँ, इस महानगर में इस पर्व के उपलक्ष्य में पतंगें उड़ाई जाती हैं, तो यहाँ पर मेरे पति ने इसका आयोजन किया हुआ है, तो हम सभी लोग मिलके पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें एक हम संदेश भी देते हैं कि हम सभी लोग मिलजुल कर एक प्यार और सौहार्द की और भाईचारे की ऐसी पतंग उड़ाएं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी इस पतंग की या तिरंगे की शान इतनी ऊंची हो कि जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक हो जाए। हो रही है, इस मोबाइल का युग आ गया, सन 95 के बाद बच्चे पैदा होने बंद हो गए, अब तो सीधे माँ बाप पैदा हो रहे हैं। चार पंक्तियाँ सुने, आदमी में किस कदर विष भर गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनोगे आदमी के काटने से, कोई सांप रास्ते में मर गया है, कोई सांप रास्ते में। क्या शुभ नाम सर आपका? मुझे फक्कड़ मुरादाबादी के नाम से जानते हैं।